चेन्नई के तिरुवनंतपुरम स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर केरल के गवर्नर का आना हुआ। दरअसल मौका था केरल में ब्रह्मा कुमारी की सेवाओं के गोल्डन जुबली और शिव चिंतन भवन के 13 साल पूरे होने का। राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान ने इस मौके पर क्या कुछ कहा वो सुनिए। बिरजा पिता ब्रह्मा कुमारीज हैव सेड बिफोर देमसेल्व्स प्रमोशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड पॉसिबली दिस इज द रीजन फैक्टर इंपॉर्टेंट व्हिच हैज एंश्योर्ड द कंटिन्यूटी। व्हाई? बिकॉज इफ यू अडॉप्ट रेस any variable or alienable characteristic like race, factors which are associated with your birth, whether it is race, it is language, it is faith tradition, then they have an exclusive character. They do not include everybody. The only inclusive criterion which does not leave out anybody, any being, sarvbhuta, that is the soul. खुशी के इस मौके पर फेस्टिवल ऑफ पीस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें विधायक आईबी सतीश, विधायक विंसेंट, सूर्या फेस्टिवल के डायरेक्टर सूर्या कृष्णमूर्ति, तमिलनाडु जोन की सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना दीदी, बीके मिन्नी बहन भी उपस्थित रहे और अपने विचार व्यक्त किए। Today we have nearly 70 spiritual centers in all districts of Kerala, and we have 150 sub branches throughout Kerala. And I should say, within this past 50 years, we cannot have an exact count, but more than 5 lakh people have come in close association with Brahma Kumaris and are practitioners of Raj Yoga meditation as shared by Brahma Kumari. ऐसे ही चेन्नई के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर पर इंजीनियर और वैज्ञानिक लोगों के लिए 2 दिवसीय री इंजीनियरिंग योरसेल्फ विषय पर रिट्रीट आयोजित रहे। संस्था के साइंटिस्ट, इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्ट विंग और ब्रह्मा कुमारीज चेन्नई के संयुक्त प्रयास से आयोजित इस रिट्रीट का उद्घाटन इंडियन नेवी के कैप्टन शशांक शर्मा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड चेन्नई के जनरल मैनेजर टी के एलामारन ने, तमिलनाडु जोन की सर्विस कोऑर्डिनेटर बी के बीना, चेन्नई और अद्यार सेवा केंद्रों के प्रभारी बीके मुथुमनी, अशोकनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके देवी की उपस्थिति में किया। 2 दिवसीय सम्मेलन के डायलॉग सेशन में न्यूरोसर्जन डॉक्टर के कार्तिक, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन के स्टेशन डायरेक्टर बीके सुधीर शेलके और वैलिडिक्टरी सेशन में ककलूर इंडस्ट्रियल स्टेट मैन्युफैक्चरर्स वेलफेयर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर चंद्रशेखर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। महाराष्ट्र के अहमदनगर में ब्रह्मा कुमारीज और रोटरी पीस सेंटर एवं न्यू आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यशाला आयोजित रही, जिसमें साईंदीप हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर एस एस दीपक, बीके डॉक्टर सुधा कांकरिया और डॉक्टर बाला साहेब सागड़े ने प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। रोटरी क्लब ऑफ अहमदनगर एंड रोटरी पीस सेंटर टुगेदर टेक अ सेमिनार ऑन द इंटरनेशनल एंड माइंड पीस। डॉक्टर दीपक सर एंड डॉक्टर सुधा मैम हैज गिवन अ वेरी गुड Thoughts to student. हम सब लोग जानते हैं कि एक सिद्धांत है। सिद्धांत क्या सिद्धांत है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू सिचुएशन डिवाइडेड बाय माइंड पावर। तो मन की शक्ति अगर बढ़ाना है तो मन का भोजन अच्छा होना चाहिए, और मन का भोजन है पॉजिटिव थॉट्स, डिवाइन थॉट्स, और उसको बढ़ाने के लिए अनेक सिद्धांत
और प्रैक्टिस की जरूरत है। वी आर वरीड अबाउट द पीस इन द वर्ल्ड, सो वी वांट टू एंड ऑल द वॉर, एंड ऑल द क्वारल्स एंड ब्रिंग पीस टू एवरीवन, नॉट ओनली टू द नेशन बट आल्सो टू द इंडिविजुअल। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द पीस टू द इंडिविजुअल, द रोटरी इंटरनेशनल एंड थ्रू देम द रोटरी ऑफ अहमदनगर have taken a great move and formed this Rotary Peace Center. This is one of the first of its kind in our country, and it is part of the Rotary's initiative to give a stress-free life, to give peace of mind, and also to prevent suicides and then treat depression. Peace in mind, and if there are any problem to our students, our staff, then they are given contact number. They advise us to contact the advisory of this Rotary, and no doubt this particular program, this particular movement is very useful to our college students and also to our staff. Thank you. अमृतसर के डॉक्टर विद्यासागर मेंटल हॉस्पिटल एवं कॉलेज में ब्रह्मा कुमारीज लॉरेंस रोड सेवा केंद्र द्वारा स्पिरिचुअल वर्कशॉप का आयोजन हुआ। बीके डॉक्टर विजय लक्ष्मी, बीके पवन, बीके सपना और बीके सुनीता ने मेडिकल पढ़ाई और स्पिरिचुअलिटी के बीच समानता बताते हुए राजयोग मेडिटेशन के लाभ बताए और प्रशिक्षण करवाया। ब्रह्मा कुमारीज केवल आध्यात्मिक संस्था नहीं है, ये सेवा के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत से कार्य करते हैं। आज भी ब्रह्मा कुमारीज के भाई बहन नर्सिंग कॉलेज में आए और उन्होंने करीब करीब 300 बच्चों से वार्तालाप की। उन्हें राज योगा और मेडिटेशन के थ्रू बहुत सारे अनुभव कराए और उन्हें ये करने के लिए प्रेरित किया कि वह किस तरह अपने पेशेंट्स को बहुत ही कुशलतापूर्वक और पीसफुल तरीके से हैंडल कर सकते हैं। कैमरा पर्सन कमलजीत के साथ मैं बीके सपना, पीस न्यूज, अमृतसर। वर्कशॉप के बाद कई मेडिकल स्टूडेंट्स ने अपने अनुभव भी शेयर किए। चलिए सुनते हैं स्टूडेंट्स ने पहली बार राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करने के बाद क्या अनुभव किया। मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में मेडिटेशन का जो सेशन है वो अटेंड किया है, और जो मैम की इंस्ट्रक्शंस थी, जो भी कमांड थी, वो हमने फॉलो किया। तो आफ्टर द फॉलो इंस्ट्रक्शन, मतलब एक जो पावर ऑफ लाइट थी माइंड में जो क्रिएट हुई है, जो मतलब कि पीसफुल हो गया था पूरा, मतलब कि पूरी बॉडी एक कनेक्शन क्रिएट हो गया था पूरी बॉडी में, जिसकी वजह से हमारी जो सोल एंड बॉडी थी वो एकदम से मतलब प्योर, और एक जो करंट पासिस हो रहे थे बॉडी में, जैसे जैसे वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे हमको, जैसे कि फीड टू माइंड, तो एक अलग ही कनेक्शन क्रिएट हो रहा था बॉडी में। मैंने आज जो आपके थ्रू, जो ब्रह्मा कुमारीज के थ्रू मुझे मेडिटेशन के बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा। और आज मतलब पहली बार मैंने ये मेडिटेशन किया, और जिसके थ्रू आपने हमें बताया कि परमात्मा के मतलब एक कनेक्शन बन गया, मुझे इसके बारे में बहुत अच्छा लगा, और मैं ये ज्वाइन करना चाहती हूँ, मैं इसके लिए इंटरेस्टेड हूँ। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।